हेलो ब्यूटीफुल लेडीज एंड देयर किड्स, आप लोग सब कैसे हैं? स्वागत है आपका मॉम किड्स केयर में। मैं हूँ ज्योत्सना और आज हम एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बहुत सारी मॉम्स को इन सब बातों के बारे में पता नहीं होगा, तो आज इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातों को शेयर करूँ। बेबी होने के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, इस कारण से हम इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सफोकेशन लगता है। जब न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बेबी के लिए आती हैं, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, पर समहाउ हमारा बॉडी इतना वीक रहता है कि हम कुछ हद तक सोचते कि हम निभा नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। मैं भी इस फेस में बिल्कुल रही हूँ और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, लेकिन थैंक्स टू गूगल मैंने सर्च किया, यूट्यूब पर देखा, उससे मैंने अपने आप को ओवरकम किया। तो आपको भी मैं कुछ बातों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी उन बातों पर ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही इस प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप खाने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, बाहर की तली भुनी चीज़ या बाहर की कोई भी अनहेल्दी चीज़ों को मत खाइए, खाना पौष्टिक खाइए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो ही आपका बेबी भी खुश रहेगा। अपने आसपास की चीज़ों को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिविटी को बिल्कुल अंदर मत आने दीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया है अपने डिप्रेशन को दूर करने का, ऐसे अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास है और हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें ये पल देखने को मिल रहा है। तो हर एक पल को एंजॉय कीजिए, अपनी मदरहुड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा चीज़ आपको इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो न्यू मॉम्स है उन्हें शेयर कीजिए, और ऐसे और से बहुत सारी मॉम्स और किड्स के बारे में वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए।